नमस्कार, मैं हूं नेहा तिवारी सिंह। वीआईपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिजनेस मास्टर। जिंदगी हमें अजीब अजीब खेल दिखाती है, अजीब अजीब से रंग दिखाती है। कई बार एक ऐसे मझधार में आकर हम फंस जाते हैं जहां नहीं समझ में आता कि क्या करें, कहां जाएं। लेकिन अगर आपके दिल में हिम्मत है, जज्बा है और मन में विश्वास है तो कुछ भी कर दिखाना मुश्किल नहीं। यही कहानी है हेमलता और अरविंद की, देखिए ये रिपोर्ट। खुद को कर बुलंद इतना, हर तब्दीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है मानो अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी कहीं से एक उम्मीद की किरण नजर आती है। आज हम आपको ले चलते हैं अहमदाबाद। हेमलता राजपूत की कहानी जिंदगी की वो सच्चाई बताती है जो शायद कड़वी थी, लेकिन वक्त ने उन यादों को भुला दिया। शादी के 7 साल बीत चुके हैं। 7 साल पहले हेमलता और अरविंद की शादी हुई। अरविंद अपनी नौकरी से खुश था, दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक से अरविंद जिस कंपनी में काम करता है उस पर ताला लग जाता है। अरविंद और हेमलता की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, मानो सब कुछ खत्म हो गया। अरविंद और हेमलता ने हार नहीं मानी। दोनों ने मिलकर कंस्ट्रक्शन के काम में आने वाले औजार बनाने का व्यवसाय करने की ठानी। मन में कई सवाल थे, कैसे करेंगे, पैसे कहां से आएंगे, जगह की परेशानी, वो तमाम सवाल इन दोनों के सामने थे जिसका जवाब नहीं था। शुरुआत में दोनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके पास हाथ और दिमाग दोनों हो तो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। बिजनेस स्टार्ट किया था तब मेरा यूनिट बहुत छोटा था, मगर आप 2 साल के बाद आप देख रहे होंगे मेरा यूनिट बहुत बड़ा है। आज 12 लोगों का स्टाफ है और बहुत बड़ा यूनिट। आज अरविंद और हेमलता दोनों मिलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। शुरुआत में उन दोनों ने 2 लोगों के साथ काम की पहल की थी। आज उनकी टीम में 15 लोग हैं और आज अरविंद और हेमलता की कंपनी गुजरात के साथ ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद समेत कई राज्यों में अपना बिजनेस फैला चुकी है। हमने बिजनेस ये छोटा सा ट्रेडिंग के बेस पे चालू किया था, आज मैंने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया है। ऑल इंडिया में मैं सप्लाई करती हूँ, जम्मू से लेके कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, हैदराबाद, सब जगह मेरा मटेरियल जा रहा है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये चंद पंक्तियाँ अरविंद और हेमलता की जिंदगी की केमिस्ट्री से बिल्कुल मेल खाती हैं। और ऐसा ही हमारे बिजनेस मास्टर का भी मानना है, जिंदगी से हारना नहीं, जिंदगी से लड़ना, तभी हम सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नेहा तिवारी सिंह, वीआईपी न्यूज, अहमदाबाद। तो वाकई में अगर दिल में हिम्मत हो, हौसला हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है वो समझ और वो सूझबूझ जो हमारे बिजनेस मास्टर आपको देते हैं। स्वागत करती हूं मनोज कुमार चंद जी का, हमारे बिजनेस मास्टर का। आपका स्वागत है मनोज जी कार्यक्रम में। और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले आपकी तरफ से कमेंट हेमलता और अरविंद की जिंदगी के बारे में। नहीं, बहुत अच्छा है, इन्होंने अपने जिंदगी का शुरुआत किया। जिस तरह से कहीं भी काम करने के बाद जो अगर वहां मतलब फैक्ट्री बंद हो जाती है या कारोबार बंद हो जाता है, उसके बाद में मतलब जो बाद की स्थिति होती है, फिर नीचे से लेकर शुरू करना पड़ता है। उस समय तक मतलब उतना ज़्यादा शरीर में वो हौसला भी नहीं रहता और उतनी एनर्जी भी नहीं रहती, और वहां से इन्होंने जो अपने लाइफ का शुरुआत किया
ये वाकई में काबिले तारीफ। रिस्क बहुत बड़ा था कहीं ना कहीं मनोज जी की जिंदगी में, जहां पर ये खड़े हुए थे शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें, लेकिन उसके बाद ये शुरुआत करना, इसमें जिस तरीके से आपका अनुभव रहा है आपसे समझना चाहेंगे। अगर कोई भी इंसान इस तरह के मोड़ पर खड़ा हो, शादी के साथ साल बीत गए हों, सर पे जिम्मेदारियां हों, तो रिस्क लेना कितना ज्यादा सही है और उस वक्त आपके दिमाग में क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, रिस्क बगैर लिए तो कोई काम हो नहीं सकता, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा जी। लेकिन रिस्क लेने के साथ साथ आपको हमेशा मतलब उसको अपनी कसौटियों पे तौलना भी पड़ेगा कि मैं जो रिस्क ले रहा हूँ वह रिस्क कितना मतलब आगे हमें कामयाब बनाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप इतना रिस्क ले लो कि फिर आगे आप कामयाब भी ना हो पाओ, तो आपको जस्टिफाइड करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको जस्टिफाइड भी करना पड़ेगा उस रिस्क के साथ साथ, यानी कि वो प्रैक्टिकल सोच भी साथ साथ बहुत जरूरी है। चलिए अब रुक करना चाहेंगे मुंबई का। मुंबई के भुवनेश्वर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सलामत अली। सलामत अली जी, बहुत सारे सवाल होंगे, चलिए शुरुआत की जाए। जी जाहिर सी बात है, मुंबई के भुवनेश्वर इलाके में हम इस वक्त मौजूद है और बड़े पैमाने पर यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग मौजूद है, अपने कई सवाल अपने मन में लिए हुए यहाँ पर मौजूद है। उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ सवाल है और किस तरह से उनके सवालों का निजात जो है वो मिल सकता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का बिजनेस आप देख रहे हैं और क्या कुछ सवाल है आपका। 20-30 लाख रुपीज होते हैं, तो उसमें कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली अगर करना है तो छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉथ का बिजनेस है। आप किसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और क्या सवाल पूछना चाहेंगे? अभी 20-30 लाख रुपीस है, जिसमें टैक्स भी कम लगे, इनकम भी ज़्यादा हो और प्रेफरेंस भी ज़्यादा हो। तो टैक्स भी कम लगे और इनकम भी ज़्यादा हो, 20-30 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 20-30 लाख का इन्वेस्टमेंट है, टैक्स कम लगे, इनकम ज्यादा हो। किस तरह का व्यवसाय करना चाहते हैं? कपड़े में व्यवसाय करना चाहते हैं या और किसी चीज का व्यवसाय करना चाहते हैं? किस तरह का बिजनेस ये शुरू करना चाहते हैं सलामत जी? जी किस तरह का बिजनेस आप करना चाहते हैं, किस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं? क्लॉथ सेक्टर में। क्लॉथ सेक्टर में जाना चाहते हैं? बिल्कुल, 20-30 लाख रुपए में इनका बिजनेस एकदम तैयार हो जाएगा। ये एक इन्हें रेडीमेड की फैक्ट्री डालनी चाहिए और उससे इनको सप्लाई करना चाहिए। उससे क्या होगा कि इतने पूंजी में इनका काम भी निकल जाएगा और धीरे धीरे करके इनका काम बहुत बड़ा भी हो जाएगा। क्योंकि आजकल अगर दुकान वगैरह करने जाएंगे तो 25-30 लाख रुपए तो दुकान को लेने में ही लग जाएगा, पगड़ी उगड़ी मिलाकर, तो उसमें इनका व्यवसाय नहीं खड़ा हो सकता। बट अगर रेडीमेड में जाते हैं तो एक साइड में कोई जगह लेकर के और वहां से रेडीमेड का काम अपना चालू कर सकते हैं। यानी रेडीमेड का काम आपको शुरू करना चाहिए अगर 20-30 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं। टैक्सेस पर कम लगेगा इस तरह? हाँ, टैक्सेस तो देखिए, कोई बिजनेस करेंगे तो टैक्सेस तो लगेगा ही, लेकिन टैक्सेस से डर करके बिजनेस को मतलब छोटा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, यानी टैक्स से मत डरिए, आगे बढ़िए, अपना बिजनेस करिए रेडीमेड गारमेंट्स की, आप फैक्ट्री खोल सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेना चाहेंगे सलामत जी। जी हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, आपसे जाना चाहेंगे किस तरह का इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं और क्या कुछ प्लानिंग है आपकी, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं मोबाइल बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे मतलब मेरे पास कैश इन एंड अराउंड 15 लाख के आसपास होंगे, तो मोबाइल बिजनेस कैसा रहेगा? जी मोबाइल बिजनेस के लिए ये सोच रहे हैं, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट ये करना चाहते हैं, ये सवाल है इनका। 15 लाख का इन्वेस्टमेंट और मोबाइल का बिजनेस, किस तरह का बिजनेस इन्हें करना चाहिए? मोबाइल के बिजनेस में 15 लाख रुपए तो इनफ है, कम नहीं है, और इन्हें जो है कि एक अच्छा किसी कंपनी का इन्हें डीलरशिप लेनी चाहिए और लेकर ये अपना कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप एक अच्छी कंपनी की डीलरशिप लीजिए, अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट आपके पास कम नहीं है, लेकिन हाँ वो सोच समझ बहुत ज्यादा जरूरी होगी मनोज जी। जिस तरीके से रिस्क रहता है इस तरह के बिजनेस में, 15 लाख रुपए अगर लगा देंगे और नुकसान हो गया, ये सवाल भी मन में जरूर होगा इनके। नहीं बिल्कुल बिल्कुल होगा, लेकिन नुकसान तो के बारे में तो सोच लेना चाहिए, लेकिन मोबाइल वगैरह का ऐसा बिजनेस है जिसमें आज के समय में नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही स्कोप वाला व्यवसाय है और आने वाले समय हर आदमी अच्छे से अच्छा मोबाइल लेना चाहता है, तो इसमें इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। चलिए स्कोप बहुत ज्यादा है, अगला सवाल लेना चाहेंगे सलामत जी। बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, कई सारे सवाल होंगे, अगला सवाल क्या है?